Hello everyone, today we'll do 9th chapter of 6th NCERT English book. The name of the chapter is Desert Animals. इस चैप्टर में हम डेजर्ट में रेगिस्तान में रहने वाले कुछ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वो लोग वहाँ पर सर्वाइव करते हैं, किन कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं कि जो उनके सर्वाइवल में हेल्प करती हैं। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। डेजर्ट्स आर द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ एंड समटाइम्स गो फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स विदाउट रेन। डेजर्ट्स अर्थ पर सबसे सूखे स्थान है। डेजर्ट्स मीन्स रेगिस्तान। रेगिस्तान अर्थ पर सबसे सूखे स्थान है और कई बार कुछ महीनों तक और कई बार तो कुछ सालों तक यहाँ पर रेन नहीं होती है। बट इवन द डेजर्ट एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर और फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन स्कॉचिंग सन, सो दे हैव हैड टू फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ कॉपिंग विद द हार्श कंडीशंस। बट जो डेजर्ट्स में रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो भी बिना पानी के नहीं रह सकते हैं और ना ही वो इस स्कॉचिंग मीन्स वेरी हॉट, जो बहुत तेज झुलसाने वाली जो धूप होती है उस धूप में लंबे टाइम तक जीवित रह सकते हैं। सो इसीलिए उन्होंने अपने इन हालातों का सामना करने के लिए अलग ही तरीकों को खोज लिया है। फॉर एग्जाम्पल, गैबल स्पेंड्स द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड ब्यूरोज। फॉर एग्जाम्पल, जो गैबल्स होते हैं वो डे का जो हॉटेस्ट पार्ट, जो सबसे गर्म पार्ट होता है, उस टाइम पर वो क्या करते हैं, सैंड के अंदर ब्यूरोज होल बनाकर उसके अंदर चले जाते हैं। And strange insects called darkling beetles are experts at catching drops of moisture on their legs and lifting them into the air until the drops trickle down into their mouths. और कुछ स्ट्रेंज इंसेक्ट्स जैसे कि डार्कलिंग बीटल्स, वो क्या करते हैं, उनके लेग्स के अंदर जो मॉइस्चर होते हैं उस मॉइस्चर से वो अपने वाटर की नीड को पूरा करते हैं। वो किस तरह से करते हैं, अपने पैरों को ऊपर उठा लेते हैं और सन की हीट की वजह से उनके पैरों के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो पानी की बूंदों में चेंज हो जाता है और उनके माउथ के अंदर गिर जाता है। वो अपने पैरों को तब तक ऊपर उठाए रखते हैं जब तक कि वो उनका मॉइस्चर पानी बनकर उनके मुंह के अंदर नहीं गिर जाता है। नॉट ऑल डेजर्ट्स आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स। सभी डेजर्ट्स में सैंड ड्यून्स रेत के टीले नहीं होते हैं। सम आर रॉकी और पेबली एंड डॉटेड विद स्मॉल बुशेस व्हाइल अदर्स आर स्प्रिंकल्ड विद कलरफुल फ्लावर्स ड्यूरिंग द समर। कुछ रेगिस्तान ऐसे होते हैं जो कंकर से भरे हुए होते हैं, रॉकी होते हैं और कहीं कहीं पर छोटी छोटी झाड़ियाँ उगी हुई होती हैं, बल्कि कुछ रेगिस्तान ऐसे होते हैं जिनमें बसंत के मौसम में अलग अलग कलर्स के वहाँ पर फ्लावर्स क्या करते हैं, ब्लूम करते हैं। ओके, देयर आर मोर देन 2300 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नेक्स मोर देन इन अराउंड द वर्ल्ड, रेंजिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर्स लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर्स। पूरे वर्ल्ड में 2300 टाइप के स्नेक्स रहते हैं जो कि एक छोटे 15 सेंटीमीटर से लेके 11 मीटर तक के लंबे होते हैं। मीन्स जो सबसे छोटा स्नेक होता है उसकी जो लेंथ होती है वो 15 सेंटीमीटर की होती है और जो सबसे बड़ा स्नेक है वो 11 मीटर तक लंबा होता है। मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस। ज़्यादातर जो स्नेक्स होते हैं वो हार्मलेस होते हैं, यानी कि वो किसी को हार्म नहीं पहुंचाते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। बट देयर आर फ्यू दैट आर सो पॉइसनस दे किल अ ह्यूमन बींग विद जस्ट वन बाइट। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा पॉइसनस मीन्स जहरीले, बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं जो ह्यूमन बीइंग को एक ही बाइट में मार सकते हैं। मोस्ट स्नेक्स ले एग्स बट देयर आर मैनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। मोस्टली ज़्यादातर जो स्नेक्स होते हैं वो एग्स ले करते हैं, बट बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं। इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट्स ऑफ अमेरिका लिव्स अ रादर इविल लुकिंग स्नेक्स विद अ वेरी बैड रेपुटेशन। अमेरिका के जो डेजर्ट्स हैं, जो रेगिस्तान वहाँ पर हैं, उनके अंदर एक बहुत ही बुरा दिखने वाला स्नेक रहता है। इट्स फ्राइटनिंग रिटल कैन बी हर्ड एज फार एज 30 मीटर्स अवे। और उसकी जो फ्राइटनिंग रिटल, उसकी जो डराने वाली आवाज़ जो वो करता है वो 30 मीटर्स दूर तक सुनी जा सकती है। इट कैन स्ट्राइक विद लाइटनिंग स्पीड। और ये एक लाइटनिंग मीन्स बहुत तेज़ी से किसी के ऊपर हमला करता है। जितनी तेज़ लाइट की स्पीड होती है उतनी ही तेज़ी से ये किसी भी के ऊपर भी हमला कर सकता है।
बट द रिटल स्नेक और रिटलर एज इट समटाइम्स कॉल्ड प्रीफर्स टू अवॉइड पीपल इफ इट पॉसिबली कैन. लेकिन जो रिटल स्नेक होते हैं और जिनको रेटलर्स भी कहा जाता है, वो क्या करते हैं, लोगों को अवॉइड करना पसंद करते हैं अगर ऐसा हो सकता है तो. मीन्स फर्स्ट वो लोगों को अवॉइड करना ही पसंद करते हैं, उन्हें बाइट नहीं करते हैं. इट होल्ड्स इट टेल्स अपराइट एंड रेटल्स द एंड whenever it disturb and in hope that the intruder will go away. वो क्या करते हैं, अपनी टेल्स को ऊपर उठाते हैं, नीचे गिराते हैं और एक हल्की सी और एक आवाज़ करते हैं जब भी उनको डिस्टर्ब किया जाता है, और ऐसी उम्मीद करते हैं कि जो इंट्रूडर, इंट्रूडर मीन्स घुसपैठिया, जो उनको डिस्टर्ब करने वाला होता है, वो वहाँ से चले जाएं. वो मीन्स अपने टेल को ऊपर नीचे ज़मीन पर इसीलिए मारते हैं ताकि जो उनको डिस्टर्ब करने वाला पर्सन है वो वहाँ से चला जाए. However, if its warning are ignored and it feels threatened, it will coil ready to bite. और अगर उसकी warnings, जो ये warning देता है, जो tails को अपने ऊपर नीचे करता है, warning ही देता है rattler, अगर उसकी warnings को ignore किया जाता है और उसको ऐसा लगता है कि अब खतरा है, तो वो क्या करता है, एक coil की तरह अपनी body को, अपनी body की एक shape जो है coil के जैसे बना लेता है और बाइट करने के लिए रेडी हो जाता है. बट द रेटलर इट सेल्फ कैन नॉट हियर द नॉइस इट्स ऑन टेल मेक्स. लेकिन रेटलर खुद भी उस वॉइस को, उस आवाज़ को नहीं सुन पाता है जो उसकी टेल बनाती है. लाइक मोस्ट स्नेक्स इट हियर्स थिंग्स थ्रू वाइब्रेशंस इन द ग्राउंड. और मोस्टली स्नेक्स की तरह ये भी चीज़ों को किस तरह से सुनता है, वाइब्रेशंस से ही सुनता है. स्नेक्स के ईयर नहीं होते हैं, वो लोग सुन नहीं सकते हैं. जब भी कोई उनके पास आता है तो वो क्या करते हैं, वाइब्रेशंस को फील करते हैं, जो अर्थ पर वाइब्रेशन, क्योंकि वो अर्थ पर क्रॉल करते रहते हैं, उनकी पूरी बॉडी अर्थ के ऊपर ही होती है, ग्राउंड के ऊपर ही होती है, तो वो वाइब्रेशंस को फील करते हैं. सो रेटलर्स भी ऐसे ही होते हैं, उनके भी ईयर नहीं होते हैं, वो भी कोई आवाज़ नहीं सुन सकते हैं, वो भी क्या करते हैं, सिर्फ वाइब्रेशंस को ही फील करते हैं. इफ अ पर्सन वॉक्स नियर बाय द स्नेक कैन फील द मोमेंट. अगर कोई पर्सन उनके पास होता है तो स्नेक्स क्या करते हैं, उसकी मोमेंट को फील करते हैं. बट इफ द सेम पर्सन वर टू शाउट इट वुड नॉट हियर अ थिंग. लेकिन अगर वही सेम पर्सन, अगर कोई बहुत तेज आवाज करता है या चिल्लाता है, तो रेटलर्स को उसकी कोई भी बात सुनाई नहीं देती है, वो सिर्फ उसकी मोमेंट्स को वाइब्रेशंस के थ्रू फील कर सकते हैं. लेकिन अगर कोई पर्सन स्नेक्स के पास किसी टाइप की कोई आवाज करता है तो वो उसको नहीं सुन सकते हैं. रेटल स्नेक्स आर वेरी कॉमन एंड वाइड स्प्रेड एनिमल्स लिविंग राइट अक्रॉस अमेरिकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम कैनेडा टू अर्जेंटीना. और जो ये रेटल स्नेक्स हैं, ये कॉमनली पाए जाते हैं अमेरिकन कॉन्टिनेंट में. ये कैनेडा से अर्जेंटीना तक मीन्स हर कॉमनली ये देखे जा सकते हैं. दे फीड ऑन ए वराइटी ऑफ प्रे इंक्लूडिंग माइस, वॉल्स, रेटल्स, चिंपमंक्स एंड मैनी अदर स्मॉल एनिमल्स. और वो बहुत सारे प्रे, प्रे मीन्स शिकार, अपने बहुत सारे शिकार को फीड करते हैं, जैसे कि माइस, वॉल्स, रेटल्स, गिलहरी और दूसरे जो छोटे एनिमल्स होते हैं. रेटल स्नेक्स कैन किल देयर प्रे विद वेमन. रेटल स्नेक्स अपने प्रे को, अपने शिकार को वेमन, वेमन क्या होता है, जहर, जहर से मारते हैं. लाइक ऑल स्नेक्स दे स्वेलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल होल्स. और सभी स्नेक्स की तरह वो भी किसी भी एनिमल्स को पूरा का पूरा स्वेलो, स्वेलो मीन्स निगलना, पूरा का पूरा निगल जाते हैं. फ्यू स्नेक्स हैव टू ईट मोर देन वंस अ वीक और सम सच एज द लार्जर पाइथन्स कैन सर्वाइव फॉर अ ईयर और मोर विदाउट ईटिंग्स. कुछ स्नेक्स ऐसे होते हैं जिनको वीक में एक बार खाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कुछ स्नेक्स ऐसे होते हैं जैसे कि पाइथन, जो पूरा साल या उससे भी ज़्यादा टाइम बिना खाए रह सकते हैं. ओके, मंगूस लाइक टू हंट टुगेदर बट दे ऑलवेज कीप अ लुकआउट फॉर डेंजरस प्रीडेटर्स नियर बाय. जो मंगूस होते हैं वो क्या करते हैं, इकट्ठे हंट करना पसंद करते हैं. मीन्स जब भी ये अपने शिकार को पकड़ते हैं तो वो इकट्ठे मिलकर ही हंट करते हैं. और डेंजरस प्रीडेटर्स एंड लुक आउट फॉर डेंजरस प्रीडेटर्स नियर बाय. और अगर उनके आसपास कोई शिकारी है उसको भी वो देखते रहते हैं, मीन्स अपने खतरे को भी भांपते रहते हैं. पॉकिंग देयर नोजेस इनटू होल्स
overturning rocks and with their paws and scorching the grounds with their sharp claws, banded mongoose are very amusing animals to watch. जो मंगूस होते हैं उनको देखना बहुत अच्छा लगता है. मीन्स वो क्या करते रहते हैं, अपनी नोज को जो है होल्स के अंदर घुसाते रहते हैं, रॉक्स को टर्न करते रहते हैं, ग्राउंड्स को हमेशा स्क्रॉच करते रहते हैं, अपने उनके जो शार्प क्लॉस होते हैं उनके साथ ग्राउंड्स को स्क्रॉच करते रहते हैं. इन उनकी इन एक्टिविटीज़ को देखना बहुत ही अमेजिंग होता है. A common sight in many parts of Africa, they travel in groups of about 22 forests for beetles, millipedes and other small creatures. और Africa में ये एक commonly sight है, यानी कि mongoose को commonly देखा जा सकता है. वो क्या करते हैं, अपने forest, forest means food, अपने food के लिए वो near about 20 के group में इधर उधर move करते रहते हैं और छोटे beetles, millipedes और दूसरे जो छोटे creatures होते हैं उनको ढूंढते रहते हैं खाने के लिए. दे लाइक टू हंट टूगेदर, उन्हें इकट्ठा ही शिकार करना पसंद है. कीपिंग इन टच वेन एवर दे गोट आउट ऑफ साइट बिहाइंड रॉक्स और बुशेस बाय ट्विटरिंग एंड कॉलिंग, और जब भी वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं या एक दूसरे को दिखाई नहीं देते हैं तो वो क्या करते हैं, अजीब सी एक आवाज निकालते हैं, झाड़ियों के पीछे, बुशेस के पीछे छिप जाते हैं या रॉक्स के पीछे छिप जाते हैं, तो वो अजीब सी आवाज़ निकालते हैं दूसरों को बुलाने के लिए, यानी कि इकट्ठा होने के लिए. ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर डेंजर, हॉक्स, ईगल्स एंड लार्ज स्नेक्स, दे वॉर्न वन अनदर विद स्पेशल अलार्म कॉल इफ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस, और उन्हें अगर आसपास कोई खतरा दिखाई देता है, जैसे कि जो हॉक्स, ईगल्स और लार्ज स्नेक्स जो उन्हें खाते हैं, उन्हें अगर कोई आसपास खतरा दिखाई देता है तो वो क्या करते हैं, उनकी एक स्पेशल कॉल होती है, एक स्पेशल आवाज़ होती है जो वो खतरे के टाइम पर निकालते हैं. उस आवाज़ को निकालते हैं और सभी को बता देते हैं कि आसपास कोई ना कोई डेंजर है, खतरा है. मोंगूस आर फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नेक्स विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्व्स, और मोंगूस स्नेक्स को मारने के लिए फेमस हैं, और जब वो स्नेक्स को किल करते हैं, मारते हैं, तो अपने आप को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. मीन्स उन्हें किसी टाइप की कोई चोट नहीं लगती है और पूरा का पूरा स्नेक्स को वो मार देते हैं. देयर रिएक्शंस आर सो फास्ट दैट दे कैन डॉस्ट ईच टाइम द स्नेक स्ट्राइक्स, उनके जो रिएक्शंस होते हैं, यानी कि जब स्नेक की और मंगूस की लड़ाई होती है, फाइट होती है, तो मंगूस के जो रिएक्शंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं. दैट दे डॉस्ट, जॉट्स मीन्स मूव क्विकली टू अवॉइड इट्स एनिमी, कि वो हर टाइम जब भी स्नेक उनके ऊपर अटैक करते हैं हर टाइम वो बच जाते हैं. दे कॉन्टिन्यूली मेक nuisance of themselves until after a while when the snakes gets tired they quickly dive in for the kill. और वो क्या करते हैं, अपने आप से एक न्यूसेंस मीन्स एक अजीब सी आवाज़ निकालते रहते हैं, और कुछ टाइम के बाद जब स्नेक्स टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो वो एकदम से उनके ऊपर झपटा मार देते हैं उन्हें मारने के लिए. All the female mongoose have their kitten at about the same time. और जितनी भी फीमेल मंगूस होती हैं वो सेम टाइम पर अपने बेबीज़ को बर्थ देती हैं. मीन्स सभी जो मंगूस होते हैं, बेबी मंगूस जो होते हैं, सभी का बर्थ सेम टाइम पर, ऑलमोस्ट सेम टाइम पर होता है. दे आर रेज्ड बाय द होल ग्रुप इन अ डैन मेड इनसाइड द ओल्ड टर्माइट माउंट और द होलो लॉग. वो जो है इकट्ठे ही पाले जाते हैं एक ग्रुप में, जो कि किसी होलो लोग लकड़ी के एक लकड़ी की होलो लकड़ी में एक छेद वाली लकड़ी में बने हुए होते हैं, ऐसी जगह पर उन्हें इकट्ठा ही पाला जाता है. When most of the adults are out looking for food, one or two males stay behind to stand guard until the others return for the night. और जब मोस्टली adults जो होते हैं वो फूड के लिए, जब फूड ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, तो वन और टू मंगूस वहीं पर रह जाते हैं जहां पर बेबी मंगूस होते हैं, उन्हें गार्ड करने के लिए, और वो उस टाइम तक उन्हें गार्ड करते हैं जब तक कि रात के टाइम पर दूसरे मंगूस वहां पर वापस लौट नहीं आते हैं. ओके, अदर एनिमल विच लिव इन द डेजर्ट इज द कैमल, और दूसरे एनिमल जो कि डेजर्ट में रहते हैं वो हैं कैमल. Camels were first domesticated by people many thousands of years ago.
कैमल्स को बहुत हजारों सालों पहले लोगों के द्वारा डोमेस्टिकेट यानी कि पाला गया था। इन द वाइल्ड कैमल्स यूजुअली लिव इन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ अप टू 30 एनिमल्स। और वाइल्ड जंगल में कैमल्स छोटे से ग्रुप्स यानी कि 30 कैमल्स के ग्रुप्स में रहते हैं। उनका जो ग्रुप्स होता है वो नियर अबाउट 30 कैमल्स का होता है। कैमल्स हैव लॉन्ग शेगी विंटर कॉट्स टू कीप वार्म। और कैमल्स के बॉडी पर जो फर होते हैं, उनके जो फेदर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उन्हें सर्दियों में वार्म रखते हैं। एंड शॉर्टर टाइडर कॉर्ड्स इन समर टू कीप कूल। और उनके जो छोटे बाल होते हैं वो क्या करते हैं, गर्मियों में उन्हें ठंडा रखते हैं। अ थर्स्टी कैमल कैन ड्रिंक्स एज मच एज 30 गैलन्स ऑफ वाटर, दैट इज अबाउट 500 फुल ग्लासेस इन जस्ट 10 मिनट्स। एक जो प्यासा कैमल होता है, थर्स्टी जो कैमल होता है, वो 30 गैलन्स वाटर यानी कि जो नियर अबाउट 500 ग्लासेस के आसपास होता है वो पूरा का पूरा पी जाते हैं। यानी कि कैमल्स अगर पूरी तरह से प्यासे हैं तो वो एक बार में ही 500 ग्लासेस पानी के पी जाते हैं इन 10 मिनट्स। जस्ट इन 10 मिनट्स में ही वो इतना पानी पी जाते हैं। नॉर्मली हाउएवर इट गेट्स ऑल द मॉइस्चर इट नीड्स फ्रॉम द डेजर्ट प्लांट्स एंड कैन सर्वाइव फॉर अप द 10 मंथ्स विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर एट ऑल। और नॉर्मली जो मॉइस्चर हमारी उसकी बॉडी को चाहिए होता है, उस मॉइस्चर को वो कहाँ से गेन करते हैं, जो डेजर्ट्स में जो प्लांट्स होते हैं, क्योंकि प्लांट्स का जो तना होता है उसके अंदर मॉइस्चर होता है, तो उस प्लांट्स को खाकर वो अपने मॉइस्चर को गेन करते हैं, मेंटेन रखते हैं। और नियर अबाउट 10 मंथ्स तक बिना पानी पिए वो डेजर्ट्स में सर्वाइव कर सकते हैं। देयर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैमल, टू तरह के कैमल्स होते हैं। वन नोन एज डोरमेंट्री हैज ओनली वन सिंगल हम्प। एक जिनको ड्रोमेंट्री कहा जाता है उनका सिंगल हम्प होता है। दिस पार्ट ऑफ कैमल इज कॉल्ड हम्प। ओके, द अदर इज कॉल्ड बैक्ट्रियन कैमल हैज टू हम्प। और दूसरा जो है वो कौन सा है, बैक्ट्रियन कैमल, जिसके कितने हम्प होते हैं, टू हम्प होते हैं। ये आप देख सकते हैं, वन हिज हियर एंड वन हिज हियर। द हम्प्स हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट्स बाय एक्टिंग एज द स्टोरेज कंटेनर। जो हम्प होते हैं इसके, वो एक स्टोरेज कंटेनर की तरह काम करते हैं, कि जैसे हम अपना फूड स्टोर करते हैं वैसे ही कैमल्स भी अपने फूड को यहाँ पर स्टोर करते हैं। और यही उनका जो स्टोरेज कंटेनर होता है वो उन्हें डेजर्ट में सर्वाइव करने में हेल्प करता है। बट दे डोंट स्टोर वाटर, लेकिन वो लोग यहाँ पर वाटर को स्टोर नहीं करते हैं। दे आर फुल ऑफ फैट, वो फुल ऑफ फैट, फैट से भरे हुए होते हैं। दिस फैट नरिशिज द कैमल व्हेन फूड इज स्केर्स, और जब फूड की कमी हो जाती है तो यही जो फैट होता है उनके हम्प में वो कैमल को नरिश करता है, उसका पोषण करता है। इफ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज देयर हम्प श्रिंक एज फैट इज यूज्ड अप। अगर कई दिनों तक उन्हें खाना नहीं मिलता है तो उनका जो हम्प होता है वो क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, श्रिंक में सिकड़ना। देयर आर मैनी अदर वेज इन विच कैमल्स आर अडप्टेड टू डेजर्ट लाइफ। और भी बहुत सारे वेज हैं जिन वेज से कैमल्स डेजर्ट लाइफ में सर्वाइव कर सकते हैं। विच आर, देयर माउथ्स आर सो टफ दैट इवन द शार्प थॉर्न कैन नॉट पियर्स थ्रू। उनका जो माउथ होता है, उनका जो मुंह होता है, वो बहुत ज़्यादा टफ होता है, इतना टफ होता है कि जो कांटे, पियर्स मीन्स कांटे, जो कांटे होते हैं वो भी उन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। क्योंकि डेजर्ट्स में तो क्या होती हैं, कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं, और उन्हीं झाड़ियों को कैमल्स खाते रहते हैं, तो वो जो झाड़ियों के ऊपर जो कांटे, पियर्स जो होते हैं, वो भी कैमल्स को नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं, इतना टफ उनका माउथ होता है। सो डेजर्ट्स में मिलने वाले जो छोटी छोटी कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं, और कुछ पानी को पीकर, मीन्स पानी के बिना तो ये 10 मंथ्स तक भी सर्वाइव कर पाते हैं। इस तरह से उन झाड़ियों को खाकर ही और अपने हम्प में अपने फूड को स्टोर करके ही ये लोग, ये कैमल्स जो होते हैं वो डेजर्ट्स में सर्वाइव करते हैं। सो हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप इस चैप्टर में जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।